शनि का जब नाम आता है या फिर शनि का जिक्र जब भी होता है तो मन में एक भय, एक डर रहता है। हालांकि बार बार तमाम एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को समझाते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं, आपके जो कर्म होंगे उन्हीं का फल आपको मिलेगा। शनि ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी आपने कर्म किया है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसका फल आप तक पहुंचे। लेकिन शनि के नाम से इतना भय होता है लोगों के जहन में, मन में, कि हर कोई ना चाहते या फिर कहें कि डर से ही जाता है, नतमस्तक होता है। तो इस चीज को क्लियर कीजिए। आज शनि जयंती है, आज न्याय के देवता की जयंती है, तो ऐसे में साढ़े साथी, धैया, शनि अगर कहीं पीड़ित है या कहीं अगर आपसे कोई गलत काम हो गया है, तो ऐसे में आज के दिन का कितना महत्व बढ़ जाता है कि हम अपने उस बुरे कर्म को ठीक कर सके या उसकी माफी मांग सके। जी देखिए, सर्वप्रथम आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये कह देने भर से बात नहीं खत्म हो जाएगी कि शनि न्याय के देवता है। हमें ये मानना होगा कि हमारे जीवन में हमारा आचरण, विचार, हमारा मन, कर्म, वचन से जो हम कर रहे हैं वो कहां तक ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को जो जस्टिफिकेशन देते हैं उससे बेहतर हम किसी और को नहीं दे सकते। और जो दूसरे हमारा आकलन कर रहे हैं वह वही देख पा रहे हैं जो हम उन्हें दिखाना चाह रहे हैं। अब बात आती है शनि से भयभीत होने की, तो शनि से भयभीत इसलिए होते हैं कि यहां देवी देवता भी नहीं बचे इनसे, इनके प्रकोप से महादेव, आदिदेव जिसको हम कहते हैं शिव, उन पर भी ढाई पल के लिए आए थे और गणपति का शीश लेके चले गए थे। तो यहां पर हमें यह समझ आ जाना चाहिए कि कहीं पर भी शनिदेव की अगर कुदृष्टि आती है, चाहे वो ढाई पल के लिए क्यों ना आए, तो वो दुष्प्रभाव देगी। पर अगर आपके कर्म ठीक हैं, आप कहीं कभी गलती नहीं कर रहे हैं, अब खास तौर पर ध्यान दीजिएगा आज के दिन की विशेषता महत्ता को अगर आप समझें, तो आज अगर आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, किसी तरह का दुष्कर्म नहीं करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। पर खाली आज के दिन करने भर से नहीं होगा, क्योंकि शनि पूरा लेखा जोखा लेते हैं। आज तो उनका जन्मदिन है तो आप मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको भूरी भूरे यहां आशीर्वाद है उनका और साथ में उनकी शुभकामनाएं हैं, पर पूरे साल भर हमें ध्यान देना होगा। किसी दिवस को एक दिन मनाने से नहीं होगा, प्रतिदिन हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि शनि की दृष्टि हम पर है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि इस परमात्मा ने ये नवग्रह अपने न्यायपालिका के केंद्र बनाए हैं, यहां पर हर तरीके से वो हमें देख रहे हैं। किसी के पास कोई विभाग है, किसी के पास कोई विभाग है, तो शनिदेव के पास न्याय का विभाग है। अब न्याय विभाग दंडाधिकारी भी है, यहां पुलिस के साथ में हम कहते हैं पुलिस अरेस्ट भी करती है और दंड भी देती है, उसी तरह से शनिदेव यहां पर आपको दंड भी देते हैं और आपको पकड़ते भी हैं। तो खास तौर पे खाली एक दिन शनि जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रतिदिन इस चीज के लिए सचेत रहना होगी, मेरे कर्मों में कहीं गलती तो नहीं है। नहीं, लेकिन आज के दिन हम प्रायश्चित तो कर सकते हैं। खाली एक दिन प्रायश्चित करने से क्या होगा? संकल्प ले लें कि आज के बाद हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। जी वानिया जी, आपसे थोड़ा यहाँ पर समझ रहे हूँ, क्योंकि कर्मों की बात हो रही है, आप कर्म तो कर लिए, फल शनिदेव दे भी देंगे, लेकिन कहा जाता है कि दान पुण्य करने से भी यहाँ पर आपके जो बुरे कर्म है उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, खत्म तो नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। तो आज के खास दिन में किस प्रकार का दान यहाँ पर करना चाहिए उन लोगों को, खासतौर से जो कि शनि की किसी भी दृष्टि से या फिर से या साढ़े साथी से परेशान है? शनिदेव अगर काल हैं तो शिव महाकाल हैं, तो आज के दिन भगवान शिव की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। रही बात दान की, आप काले उड़द दान कर सकते हैं, किसी भी गरीब को भोजन करा सकते हैं, कुछ भी फुटवियर दान कर सकते हैं, चप्पल जूता जो भी आप करना चाहते हैं। इसके अलावा आप सरसों के तेल का जो है दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं, काले गुलाब जामुन का दान कर सकते हैं, काले अंगूर का दान कर सकते हैं, आप बैंगन का दान कर सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं, आप सतनाजा दान कर सकते हैं। इस दिन जो है आप जल्दी उठिए, सूर्यदेव को जल जो है आप जरूर चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के सामने बैठकर जो है आप शनि देव की पूजा जरूर करें। 7 बार आपको आज शनि चालीसा करनी है। इसके अलावा अगर आज आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो वो भी आप जरूर कीजिए। शनि देव हमारी कुंडली में हमारे चाचा का भी कारक होते हैं, जो हमारे अंकल होते हैं, तो आज अपने चाचा की अगर आप ब्लेसिंग्स लेते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कृष्ण भक्ति कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जैसा कि अभी मेरे रिस्पेक्टिव
फेलो मेंबर ने भी बताया कि कर्मास जो होते हैं, अगर हमारे कर्मास अच्छे हैं तो कर्मास को अगर हम जितना अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा रखेंगे तो शनिदेव से हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनको शनिदेव कभी भी लाइफ में परेशान नहीं करते हैं। इसलिए आप हनुमान जी की भक्ति करना बिल्कुल भी ना छोड़िए। सुंदरकांड का पाठ जो है अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। जो भी हमने लाइफ में गलत करा है उसके लिए आज आप शनिदेव से माफी मांगिए, फॉरगिवनेस मांगिए और कोशिश कीजिए, जैसा कि अभी नवजोत जी भी कह रहे थे कि आगे हम लाइफ में, मतलब हम एक रेजोल्यूशन तो ले सकते हैं ना कि आगे हम वो चीजें लाइफ में रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम कुछ भी हमने अगर पास्ट में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर हमने कुछ गलत किया भी है तो उसके लिए आप फॉरगिवनेस मांगिए और कोशिश कीजिए कि फ्यूचर में कुछ अपने ऐसे रेजोल्यूशन बनाइए कि आप गलत कर्म करें ही ना। एडिक्शन ये जितना हो सकता है लाइफ में एडिक्शन से आप दूर रहिए और किसी को भी हर्ट ना कीजिए, कोशिश करिए दूसरों की हेल्प कीजिए।